शैतान। इस दिन रिलीज होगी अजय देवगन की शैतान। अभिनेता ने साझा किया फिल्म का पहला पोस्टर। अजय देवगन इन दिनों अपनी आने वाली नई फिल्म शैतान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जो एक अलौकिक थ्रिलर है। फिल्म में अजय देवगन अभिनेता आर माधवन और ज्योतिका के साथ नजर आएंगे। हाल ही में अजय देवगन ने फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए फिल्म का नाम और रिलीज की तारीख से पर्दा उठाया था। फिर उन्होंने टीजर रिलीज डेट का भी ऐलान कर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया था। वहीं अब फैंस के इस उत्साह को और बढ़ाने के लिए आखिरकार निर्माताओं ने फिल्म का दमदार टीजर भी रिलीज कर दिया है। गुरुवार 25 जनवरी को अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अलौकिक थ्रिलर की दुनिया की झलक दिखाने वाला शैतान का एक दिलचस्प टीजर साझा किया। टीजर में अजय देवगन और ज्योतिका को भयभीत दिखाया गया है और पृष्ठभूमि में एक आवाज सुनाई दे रही है। वे कहते हैं कि दुनिया पूरी तरह से बहरी है, लेकिन हर कोई मेरी बात सुनता है। मैं काले से भी गहरा हूँ, मैं धोखे का कटोरा हूँ। भयावह से निषिद्ध प्रार्थनाओं की प्रार्थना, मैं नरक के 9 चक्रों पर शासन करता हूँ। मैं जहर हूँ, मैं इलाज भी हूँ। मैंने सदियों से सब कुछ चुपचाप देखा है, यहाँ तक कि एक मूक गवाह भी। मैं रात हूँ, मैं शाम हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ। मैं बनाता हूँ, नष्ट करता हूँ। खबरदार, लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। एक खेल है, क्या तुम खेलोगे? इस खेल का एक ही नियम है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, तुम्हें लालच नहीं आना चाहिए। ट्रेलर का अंत आर माधवन की डरावनी मुस्कान के साथ होता है। अजय देवगन ने टीजर को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, सदियों से सब कुछ चुपचाप देखता रहा, मूक गवाह भी। मैं रात हूँ, मैं शाम हूँ, मैं कायनात तम हूँ। बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, लोग कहते हैं। मैं नहीं हूँ कोई भी। एक खेल है, क्या तुम खेलोगे? इस खेल का एक ही नियम है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, मेरी बातों में मत आना। इससे पहले टीजर को लेकर खास जानकारी सामने आई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अजय देवगन की फिल्म शैतान के निर्माता अपने पहले टीजर के साथ दर्शकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं। यह एक सख्त डरावना कट है और इसमें कुछ चौंकाने वाले तत्व भी हैं। टीजर का डिजिटल लॉन्च आज ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर की रिलीज के साथ किया गया है। शैतान का टीजर आज से सिनेमाघरों में फाइटर के साथ दिखाया जाएगा। वहीं बात करें फिल्म की तो जियो स्टूडियोज, देवगन फिल्म्स और पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत शैतान का निर्माण अजय देवगन, ज्योति देशपांडे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक द्वारा किया गया है। वहीं ये फिल्म विकास बहल द्वारा निर्देशित है। वहीं बात करें फिल्म की रिलीज के बारे में तो शैतान 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। अजय देवगन की फिल्म शैतान का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है। अजय देवगन ये फिल्म मार्च में लेकर आ रहे हैं। अभिनेता अजय देवगन की आगामी फिल्म शैतान की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है। अजय ने आज सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्ट साझा किया है। इसी के साथ रिलीज डेट भी बताई है। ये फिल्म 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अजय देवगन के अलावा फिल्म में आर माधवन और ज्योतिका भी अहम भूमिका में हैं। विकास बहल करेंगे निर्देशन। यह एक सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है। फिल्म शैतान को दरअसल वश नाम की गुजराती फिल्म का हिंदी रीमेक बताया जा रहा है। अजय देवगन और माधवन की यह फिल्म शैतान नाम से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी विकास बहल ने संभाली है। पहली बार साथ नजर आएंगे आर माधवन और अजय। अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्ट साझा किया है। इसके साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा दिया है। उन्होंने लिखा है, आपके लिए शैतान आ रही है। 8 मार्च 2024 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अजय देवगन और आर माधवन पहली बार साथ में स्क्रीन साझा करते दिखेंगे। यूजर्स ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। अभिनेता अजय देवगन बीते वर्ष फिल्म भोला में नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेअसर साबित हुई। फिलहाल इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। शैतान के अलावा अजय सिंघम अगेन, रेड 2 और मैदाना जैसी फिल्म मेम ना जा रहे अंज अजय देवगन की सैताना का फर्स्ट लुक पोस्टर देखा यूजर्स जामकारा कमेंट्स कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा, अब अजय देवगन डरेंगे। एक अन्य यूजर ने पूछा, ये डरावनी फिल्म है